And we have this breaking news coming in from the state of Rajasthan, where big action is being taken with regard to the paper leak scam case in the state of Rajasthan. Now, Central Investigation Agency, ED, is currently conducting search operation at 11 locations in Rajasthan. The investigation agency is also conducting a search operation at the residence of Rajasthan Congress State Unit President Govind Singh Dotasra. And in fact, search operation is also going on at the residence of Independent MLA Om Prakash Hoodla, who joined the Congress party some time ago. So big breaking news that is coming in from the poll-bound state of Rajasthan, where there is action being taken with regard to the paper leak scam case, and currently searches are underway at 11 locations. And now we're being joined by News 18's Shankar Anand in this case. Shankar, what more details do we have as far as these search operation by the ED is concerned? केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा इस वक्त में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 11 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि विशेष तौर पर राजस्थान के जयपुर, दौसा, सीकर, इन जिलों में ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन जिन आरोपियों की आवाज पे आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, उसका नाम मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जो अपने आप में एक बड़ा नाम है, उनके आवास पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इसके साथ ही ओम प्रकाश हुडला जो पिछले कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस में बकायदा शामिल हुए थे, हालांकि निर्दलीय विधायक के तौर पर जाने जाते हैं, और जिस तरह से इनके आवास पर भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और इस मामले पर जो रीट पेपर घोटाला मामले में जिस तरह से इन दोनों का नाम आया, इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों का नाम आया था, तो इस मामले पर उन्हीं तमाम गंभीरता को देखते हुए आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि इस रीट पेपर घोटाला की अगर बात करें तो ये मामला अचानक आज का नहीं है, ये मामला साल 2021 का है। और साल 2021 में इस मामले में सबसे पहले राजस्थान पुलिस की जो एसओजी टीम है बकायदा, उसके द्वारा ये केस को रजिस्टर्ड किया गया था, और एसओजी के द्वारा इस मामले में तकरीबन 35 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी साल 2021 में। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में ईडी के द्वारा इस केस को टेक ओवर किया गया, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज करने के बाद अब इस मामले में तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ाया गया। और पिछले कुछ दिनों पहले ही इस मामले में कई आरोपियों से पूछताछ हुई थी। इस मामले की अगर बात करें, जो रीट पेपर घोटाला मामला है, ये मामला दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में दर्ज किया गया था, और ईडी मुख्यालय में दर्ज करने के बाद राजस्थान के कई लोगों से इस में पूछताछ की गई थी, और कई अन्य जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी हैं उनको भी पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में बुलाया गया था। और उसी पूछताछ के दौरान जिस तरह से स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था, उसके बाद स्टेटमेंट के दौरान ही यहां पर कई बड़े लोगों का नाम सामने आया था, और उसी के बाद आज ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। चाहे गोविंद सिंह डोटासरा की अगर बात करें या ओम प्रकाश हुडला की बात करें, तो इतने बड़े कद्दावर नेताओं का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि जिस तरह से जांच एजेंसी के द्वारा आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी होंगी, लेकिन जांच एजेंसी के हमारे सूत्र बताते हैं कि यह मामला तमाम सबूतों के आधार पर हो रहा है, तमाम दर्ज बयानों के आधार पर हो रहा है। और इस मामले में सबसे पहले जो कार्रवाई हुई थी वो राजस्थान की एसओजी के द्वारा कार्रवाई की गई थी, और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है ये मामला अपने आप में बड़ा है। जब एसओजी के द्वारा 35 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है, और जिस तरह से यहाँ पे हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट्स के साथ में उनके करियर के साथ में खिलवाड़ किया जाता है, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस केस को टेक ओवर किया गया था, इसी मामले में आज इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, कई और बड़े नाम का खुलासा जल्द ही जांच एजेंसी के द्वारा किया जा सकता है। जी शंकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए।